नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बे टू ट्रेवल फ्री। आज हम आपको बताएंगे कैसे अपने Android TV में आप MS Office चला सकते हैं, अपनी PDF एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने TV में दो एप्लीकेशन चाहिए, जो है एक फाइल TV मैनेजर और TV फाइल मैनेजर, और दूसरी है हमारे पास ऑफिस सूट। ये दोनों एप्लीकेशन अगर आपकी TV में होंगी तो आप बड़े ही आराम से अपने TV में अपनी कंप्यूटर की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन, वर्ड, एक्सेल, ये सब चीज़ें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने TV में ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए अपने TV में TV फाइल मैनेजर। TV फाइल मैनेजर हम अपने TV में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने TV के गूगल प्ले स्टोर में जा कर के। इसमें आप सर्च कर सकते हैं TV फाइल मैनेजर। जैसे आप यहाँ सर्च करोगे तो आपको ये रिज़ल्ट आएंगे। इस पे आप अपना ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये प्री इंस्टॉल करी हुई है तो इसलिए आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। देन हमें सेकेंड में जो एप्लीकेशन चाहिए वो हमें चाहिए ऑफिस सूट। उसको आप अपने किसी भी फ़ोन के ब्राउज़र से, गूगल क्रोम से या ओपेरा से, जहाँ मर्जी से आप अपने कर सकते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल नहीं करना फॉर्म में, उसको अपना खाली डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिस सूट APK करके उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद उसको आप अपने TV में पेन ड्राइव के थ्रू उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप अपनी फाइल्स को रीड कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने TV में अपनी फाइल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये अपने फाइल मैनेजर को ओपन करिए। जैसे ये ओपन हो जाता है, इसमें आपके TV में जो भी आपने पेन ड्राइव इंस्टॉल किया होगा, ये TV में आपकी जो भी फाइल्स होगी उसको आप ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी फाइल ओपन हो रही है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पे एक्सेस नहीं हो रही है तो उसको आप छोड़ दीजिए। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है TV पर। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी PDF फाइल ओपन हो गई है, इसको आप अपना रीड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने वर्ड की फाइल इसमें ओपन कर ली है। ऐसे ही आप अपने TV पे अपना
प्रेजेंटेशन, वर्ड, एक्सेल, पीडीएफ, ये सब चीज़ें रीड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके डे टू डे लाइफ में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है उसके हम आपको सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।